श्रद्धानंद अनाथालय में पिछले दो दिनों से उत्साह का माहौल है। जिला दक्षिण अंबाजरी रोड पर श्रद्धानंद पेठ स्थित श्री श्रद्धानंद अनाथालय की चार लड़कियों का विवाह आज नागपुर के श्रद्धानंद पेठ स्थित श्री श्रद्धानंद अनाथालय हॉल में संपन्न हुआ। चार लड़कियां जिन्हें बचपन में गोद लिया गया था और जिन्हें आत्मविश्वास से भरी युवतियों के रूप में तैयार किया गया था, 11 जुलाई यानी आज शादी की शपथ लेकर अपने जीवन का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। समारोह सुबह 11 बजे शुरू हुआ। 11 जुलाई की शादी से पहले उत्सव 8 जुलाई को सत्यनारायण पूजा से शुरू हुआ। उसके बाद 9 जुलाई को मेहंदी समारोह और 10 जुलाई को हल्दी समारोह हुआ और आज विवाह समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। अनाथालय द्वारा शादी में आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। इस दौरान श्रद्धानंद अनाथालय की जॉइंट सेक्रेटरी गीतांजलि बूटे ने बताया कि 8 जुलाई से यहां जश्न का माहौल है। अनाथालय का परिसर विवाह स्थल में तब्दील हो गया है और चारों ओर चहल पहल है। सोमवार को सत्यनारायण पूजा के साथ आधिकारिक तौर पर उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें जोड़ों के लिए आशीर्वाद मांगा गया। साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के नाम पर 25,000 डिपॉजिट के तौर पर जमा की जाती है। अनाथालय द्वारा 3 साल तक यह राशि रखी जाती है, जो विवाह सफल ना होने की स्थिति में सुरक्षा कवच का काम करती है। आज हमारे यहाँ चार लड़कियों की शादी है। ये चारों बच्चे जब 7 दिन के बेबीज थे तब से हमारे यहाँ पर है और आज बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है कि इतने छोटे बेबी इसके बाद आज ये अपने पैरों पे खड़े होकर और शादी करके जा रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा एक प्रश्न सबको ये पड़ रहा है कि ये लड़के वाले आप लोगों को अप्रोच कहाँ से करते हैं? तो जनरली ये जो लड़कियाँ जो गांव की होती हैं, एक बार पढ़ लिख गई 12वीं पास हो गई तो इनको गांव के लड़कों से शादी नहीं करनी रहती, उनको शहर के लड़के से शादी करनी रहती है। और इसके कारण क्या होता है कि वो जो आटा चक्की वाले, किराना भंडार वाले, तो इन लोगों से कोई शादी नहीं करता, तो उसके कारण वो लड़के वाले हम लोगों को अप्रोच करते और हम फिर इन लोगों की शादी करके देते हैं उनसे। शादी करने के पहले हम मेडिकल NOC, मेडिकल पुलिस NOC सब 10 डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगते हैं और फिर उसके बाद इनकी शादी तय होती है। शादी तय होने के बाद ये 25,000 हम लड़की के नाम पे फिक्स डिपॉजिट मांगते हैं और जिससे कि 3 साल के लिए, और 3 साल बाद विथ इंटरेस्ट हम ये वापस करते हैं। ये सिस्टम इसलिए कि जब लड़की 3 साल बाद आती है तो बच्चे के साथ में, तो हमको पता चल जाता है अपनी लड़की आनंदित जीवन व्यतीत कर रही है। आपको बता दें कि नागपुर के चार प्रमुख जोड़े नरेंद्र और शिल्पा जिस्कार, सचिन और अरुणा पुरोहित, प्रशांत और जोशना उगेमुके तथा डॉक्टर अभिजीत और प्राजक्ता देव द्वारा इन बेटियों का कन्यादान किया है, जिसके बाद नरेंद्र जिस्कार द्वारा प्रतिक्रिया साझा की गई है। श्रद्धानंद अनाथालय की तरफ से गीतांजलि बूटी इनके पुढ़ाकार से एक अनोखा यहाँ पे विवाह सोहळा अभी सम्पन्न हुआ। अनाथालय की चार बच्चियाँ, ये चार लड़कों के साथ जिनको, जिनका हक का घर है, जिनका परिवार है, जिनके माँ बाप है, ऐसे परिवार में अनाथालय की चार लड़कियाँ बहाई गई। और इसमें मैं और मेरी मिसेज डॉक्टर शिल्पा जिचकार, ये दोनों बड़े सौभाग्यपूर्ण है कि हमको एक लड़की का कन्यादान करने का मौका मिला। मेरे साथ साथ ही प्रशांत उगेमुगे और जोशना उगेमुगे ने भी एक जो अनाथ लड़की है उसका कन्यादान किया। सचिन और अरुणा पुरोहित, इन्होंने एक कन्यादान किया। डॉक्टर अभिजीत और प्राजक्ता देव, इन्होंने भी एक कन्या का कन्यादान किया। खास करके हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो समाज, जात, पंथ ये देखा जाता है, पर ये शादी अनोखी इसलिए है कि इसमें कोई जात, पंथ, समाज या धर्म नहीं देखा गया। एक मानुष की जो बोलते ना, वो एक धर्म इसमें देखा गया। और बहुत अच्छी तरह से आज का ये उपक्रम, मैं श्रद्धानंद अनाथालय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे एक विवाह में, विवाह सोहळा में मेरे को उन्होंने बुलाया और मेरे हाथों से एक अनाथ लड़की का कन्यादान कराया। आपको बता दें कि श्रद्धानंद अनाथालय ने जून 2022 में 5 लड़कियों की शादी कराई थी, जो आज अच्छी तरह से बसी हुई है। आज इस शुभ अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शादी में उपस्थित रहकर आशीर्वाद दिए, जिनमें पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल, अनका फडणवीस और मेजर जनरल विद्यार्थी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।